हाय एवरीवन, आज आप मम्मी के चेहरे को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। इनकी खुशी सब बता रही है। सो आप लोगों को बता दूं कि वी आर हेडिंग टू आगरा। पापा के कोर्समेट की बेटी की शादी है, तो इन दोनों को शादी की एक्साइटमेंट है। मुझे थोड़ा सा नई जगह जाके देखने की एक्साइटमेंट है। तो आगरा के अंदर क्या क्या है? एक तो ताजमहल घूमेंगे और कुछ दाल मोठ खाएंगे, पंची पेड़ा खाएंगे। खाने में तो रहता है और... मैंने पूछा कि काका घूमेंगे, पंची पेड़ा खाएंगे, दाल मोठ खाएंगे और घूमेंगे। जनता ये नहीं पूछ रही कि क्या खाएंगे, जनता पूछ रही है क्या देखोगे। फतेहपुर सीकरी देखेंगे, फतेहपुर सीकरी दिखा देंगे, फोर्ट देख लेंगे। अच्छा, ताजमहल मतलब बेसिकली देखा तो पहले हुआ है, बट एक मेमोरीज रिवाइज कर लेंगे। ताजमहल भी हमने देखा था, बहुत छोटा था मैं एल्बम के अंदर, मैं किसी गोदी में बैठा हुआ था आप दोनों में से किसी की। अब सनराइज देखेंगे, हम सनराइज देखेंगे। अब थोड़े से अब थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ तो अब दोबारा ताजमहल देखेंगे। वो तो पुरानी मेमोरीज थी, वो फेड हो गई होंगी। हाँ नहीं, वो फोटो ही है बस, अब तो फोटो भी फेड हो गई। और आगरा में क्या चेंजेस है वो देखेंगे, आगरा में क्या चेंजेस है। और बाकी कुछ इंटरेस्टिंग नजर आएगा आगरा में तो वो भी कवर करूंगा मैं, दिखा दूंगा। आगरा की जर्नी में रास्ते में हम किस तरह से एंजॉय करेंगे, कहाँ रुकेंगे, वो भी हम दिखाएंगे। एक पहली बात तो ये, पहले हम यमुना एक्सप्रेस वे से जाते थे, लेकिन अभी मथुरा रोड पे सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, पलवल और होटल वगैरह। सो वी आर ट्राइंग दिस मथुरा रोड दिस टाइम एंड आई एम श्योर वी विल एंजॉय इट। अच्छा, पापा का फोन बज गया, रुकावट के लिए खेद है, आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मथुरा रोड है जो फरीदाबाद से आगरा तक जाती है डायरेक्टली, सोचा कि ये रोड दिखा दूं। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्राइव नाउ बिकॉज यू आर गोइंग, आप मेट्रो लाइन के साथ साथ चल रहे हो। हाँ, मेट्रो लाइन साइड साथ साथ है, मेट्रो लाइन राजा नहर सिंह तक है। हाँ, अभी मतलब एटलीस्ट फरीदाबाद के अंदर, और तो सड़क तो बिल्कुल कलकत्ता तक जाती है ना। या कलकत्ता तक जाती है। पापा धचकियां लग रही है, एक रोल्स रॉयस फैंटम ले लो। ये मेट्रो के पिलर्स में आप देख सकते हो थोड़ी ब्यूटिफिकेशन करने की कोशिश कर रखी है, कुछ पोस्टर्स चिपका रखे हैं इन्होंने। सारे पिलर्स पे नहीं है, बीच बीच में एक आधे पे है। ये टोल प्लाजा है भाई फरीदाबाद परवल का, फरीदाबाद परवल वाला ये है कि नाम क्या है इसका टोल का? गदपुरी टोल। गदपुरी टोल है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ धरना भी था इस टोल को हटाने के लिए, लेकिन अभी तो फिलहाल खाली था। ये मुंबई एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे ऊपर से जो ये जा रहा है। पलवल में काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है, काफ़ी फ्लाईओवर्स बना रखे हैं जिससे कि पूरा गांव निकल जाता है नीचे से। पहले थे नहीं है फ्लाईओवर्स, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये आई थिंक इंडस्ट्रियल एरियाज हैं यहाँ पे, नज़र आ रहे हैं राइट में, लेफ्ट में भी आप देख सकते हो इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं, फैक्ट्रीज बनी हुई हैं। ये बिजली के पोल देखो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, बिजली की तारें कितनी स्ट्रेट हैं। लास्ट टाइम जब चांदनी चौक गए थे तो बिजली की तारे किस तरह से इंटरमिंगल्ड थी आपस में, और यहाँ देखो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन ये बिजली की तारों को पता नहीं अंडरग्राउंड क्यों नहीं करते। अच्छा, पापा ने अभी अभी बताया कि जो टोल था वो पलवल का टोल नहीं था, कोई दूसरा था। उस टाइम क्यों नहीं बताया आपने जब मैं जनता को बता रहा था? टोल तो गदपुरी का ही था। अच्छा, वो फ्लाईओवर पलवल शहर नहीं था, वो एक गाँव था, प्रथला था वो। भाई जनता माफ करना, पापा से ही पूछ लेना कि ये कौन सा रास्ता है, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है इस इलाके का। अभी आएगा, अभी क्या आएगा, अभी द फ्लाईओवर्स दैट वी विल क्रॉस वो पलवल के हैं, और ये नया कंस्ट्रक्शन है एब्सोल्युटली, अभी कुछ दो महीने पहले ही शुरू हुआ ये। अच्छा, एंड इससे हम पूरा पलवल शहर नीचे छोड़ देंगे और डायरेक्टली सीधा क्रॉस हो जाएगा, के एम पी जॉइनिंग एरिया में पहुँच जाएंगे। समझ में आ गया मम्मी? चलो ठीक है। ये जो फ्लाईओवर है ये वाला है पलवल का फ्लाईओवर अभी जिसमें चल रहे हैं। ये कौन सा सेक्टर है पापा? सेक्टर दो। सेक्टर दो है ये। हालांकि सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है पलवल लेफ्ट, लेकिन पलवल तो ऑलरेडी आ ही गया है। नहीं, पलवल शहर में जाने के लिए यू हैव टू टेक एन एग्जिट। शहर तो ये क्या है फिर? नहीं नहीं, ये तो हम फ्लाईओवर से निकल जाएंगे, वी विल क्रॉस द सिटी। अच्छा अच्छा, ओके। To get inside the city, you have to take an exit. Okay. Now there is no exit.
एंड रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वो सब नीचे से निकल जाएगा. ठीक है. नाउ द एग्जिट इज ओनली आफ्टर द सिटी इज कंप्लीटेड. कितने किलोमीटर्स में कवर हो जाएगा सिटी? दिस इज अबाउट 1.5 किलोमीटर्स. अच्छा भाई, मोबाइल कनेक्टिविटी की तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, बिकॉज मोबाइल टावर्स बहुत हैं. ये देखो कितने सारे हैं, इस तरफ भी हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पलवल ही स्मार्ट सिटी बनेगा बजाय की फरीदाबाद के. इतने सारे लाइट के पोल्स तो वहाँ भी नहीं देखे मैंने बैक टू बैक. ये फ्लाईओवर जो बना है, ये कह सकते हो कि स्मार्ट स्टेप है. ये भाई इस एरिया का सबसे फेमस फ्लाईओवर है, केएमपी एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको. कुंडली मानेसर और पलवल, कुंडली मानेसर पलवल राइट से आ रहा है, राइट से आ रहा है ये, और नोएडा गाजियाबाद वाला लेफ्ट से आ रहा है. सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट. ओके ओके. ये है भाई, स्पीड लिमिट 120 है इस पे शायद. काफी मजा आता है ड्राइव के अंदर जब एक के बाद एक फ्लाईओवर्स और सड़क ऐसी खाली हो. लेकिन क्या करें, दिल्ली के अंदर जब पीक ट्रैफिक के अंदर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर गाड़ी चलानी पड़ती है, तो उसके अंदर थकावट हो जाती है. असली ड्राइविंग का मजा तो यही है ना मम्मी. ये देखो मॉडिफाइड एंडेवर, देखो इसके बम्पर्स भी मॉडिफाइड है और ऊपर एक लगेज कैरियर भी लगा रखा है इन्होंने. सो 3 घंटे की ड्राइव के बाद पापा कितने किलोमीटर चल गए देखा नहीं? ओके कोई बात नहीं. चलो 3 घंटे ड्राइव के बाद अभी हम यहाँ पे रुके हैं मथुरा में. मथुरा है ना पापा? मथुरा रिफाइनरी पीछे की साइड है और यहाँ पे एक मैकडॉनल्ड्स है, ये दिखा देता हूँ मैं. तो मैकडॉनल्ड्स के अंदर मम्मी का मन है थोड़ा सा ब्रेक लेने का. खाना खाना था. पापा पिछले 1 घंटे से कहते कि ब्रिजवासी रेस्टोरेंट आएगा, वहाँ खाना खिलाएंगे, वहाँ लंच करेंगे. स्वीट शॉप है और देखा कि सामने सिर्फ स्वीट शॉप है. तो मैकडॉनल्ड्स है प्रॉपर टाइप, ब्रिजवासी छोटा सा है. क्या क्या खाओगे? रोटी सब्जी. मैकडॉनल्ड्स में रोटी सब्जी खाएंगे मम्मी. मिठाई के नाम पे पापा देखो सबसे आगे आगे जा रहे हैं पेड़े लेने के चक्कर में. जनता को पता है कि आपको मिठाई पसंद है. ब्रिजवासी वालों की शॉप है ये. अच्छा जनता को याद है कि सूरजकुंड मेले में कैसे जिले में अकेले पर्स निकला था. दोबारा बोला अभी तक मम्मी को रोटी सब्जी खानी थी, लंच कर रहा था, पेड़ देख के मिठाइयां देख के मम्मी का मूड अच्छा हो गया. मम्मी मुस्कुरा रही है. भाई पेड़ा दिखाते हैं आप लोगों को जो मम्मी ने लिया है. मम्मी दिखाओ. मम्मी ये तो लिफाफा है, पेड़ा दिखाओ. भाई सील हो गया, सील है, सॉरी नहीं दिखा सकते, जब खाएंगे तब दिखा देंगे. ठीक है मम्मी. ओके आओ मम्मी धूप में चलते हैं, विटामिन डी मिलेगा. विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए. विटामिन नहीं है, खतरनाक है धूप. अच्छा ओडोमीटर पे चेक कर लिया है, 138 किलोमीटर चल रही है. तो पेड़े लेने के लिए 138 किलोमीटर गाड़ी चलाई हमने. मम्मी कवर हो गई अब ठीक है. सो हमारा लंच करने का प्लान था बट वहाँ पे सिर्फ नहीं नहीं अरे रिकॉर्डर ऑन है, ऐसी बात नहीं है भाई. मम्मी को एक ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, देख लो. मम्मी ने तो खास अपनी पोजीशन चेंज करी है ताकि वो कैमरे के अंदर आ सके. सेंटर ऑफ अटेंशन है मम्मी, बिल्कुल बीच में बैठी है. तो मैं क्या कर रहा था, लंच करने वाले थे हम बट वहाँ पे सिर्फ मैकडॉनल्ड्स था और ब्रिजवासी की सिर्फ स्वीट शॉप थी, कोई प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं था वहाँ पे. तो नॉर्थ इंडियन खाना खाने का मूड था तो हम आगे कोई रेस्टोरेंट देखेंगे और वहाँ खाएंगे. मैकडॉनल्ड्स के अंदर बर्गर खाने का बिल्कुल मन नहीं था, स्वदेशी खाना खाएंगे. अरे वो लंच का पार्ट थोड़ी ना है. नहीं नहीं वो तो हाँ वो बादाम मिल्क पिया हमने. अबे जनता को बता दो कितने का था बादाम मिल्क ताकि महंगाई का अंदाजा लग जाए. हैं ठीक है. अच्छा चलो कट कर दे. फरा ये फरहा का टोल आ गया है पापा के मुताबिक और आगरा सिर्फ 30 किलोमीटर है यहाँ से. ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, 33 है. टोल प्लाजा में भाई गलत लेन में घुस गए हम. पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से वहीं खड़े हैं, अगल बगल में तो 3-4 गाड़ियां निकल गईं. ऐसा क्यों होता है पापा कि जिस लाइन में होते हैं वही सबसे लंबी होती है?
नहीं ये निकल रहा है अभी जल्दी निकल रहा है लेट अस सी ये देखना उसका बिल्कुल जब जब टच नहीं करोगे तब तक वो ओ पोल तो वाइपर के भी नीचे चला गया हैं दिख भी नहीं रहा वो रहा वो रहा एंजॉय लाइक यू डोंट ओ भाई हिल ही नहीं रहा ये तो ये हमारा भारत देश ये ओके बिल्कुल इट हैज टू बी फिजिकली लिफ्टेड ऑलमोस्ट भाई ये एक ऐसा बैरियर था जो कि फास्ट ट्रैक सीरी इंजन की गर्मी से उठता है पापा आप तो घर से निकलने के टाइम पे पंछी बेटा करे आ रहे थे आपने तो अरे भी पहुंचे नहीं पंछी आपने तो ये पर क्या लिया है बेटा आपने तो पेड़ा लेके पूरा कोटा पूरा कर दिया मिठाई का नहीं 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 अभी कुछ नहीं हुआ है अभी तो ये तो आगरा में खाने के लिए लिया है अच्छा मथुरा का पेड़ा आगरा में खाएंगे और आगरा का पेठा आगरा का पंछी पेठा वापसी में गिफ्टिंग के लिए है वो पेड़ा और पेठा दोनों चाहिए बहुत मीठा होता है अच्छा दाल मोट भी फेमस है वहाँ की है दाल मोट भी ले लेंगे लंच के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं ब्रज की रसोई नाम है इसका और इसकी खास बात यह है कि नॉर्मल बर्तनों में नहीं बल्कि पत्तल एवं मिट्टी के बर्तनों में भोजन दिया जाता है देखते हैं कैसा है इंटीरियर्स दिखाता हूँ तो इससे पहले कि खाना डले मैं दिखा देता हूँ इनके बर्तन ही हैं ये पत्तल की प्लेट है और ये कुल्हड़ का ग्लास और कटोरी है और ये इनका मेन्यू है यहाँ पे और पीछे एक बच्चा है जो शोर बचा रहा है ये डाल लिया भाई मम्मी ने पनीर छोले एंड ये तो भाई लंच अभी ख़त्म करा है और मेरी हालत देख लो पसीने और खाऊं आँख नाक कान चारों तरफ से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा तीखा खाना था तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को अगर कोई खाना चाहता हो यहाँ पे तो पहले से ही बता दें कि मिर्च कम डालें वरना आपकी हालत भी मेरी ऐसी हो जाएगी फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे ये स्वीट लस्सी मंगाई है रसोई थोड़ा जीभ को आराम देने के लिए लोगे मम्मी मिल जाएंगे सड़क पे तो हम पहुंच गए हैं आगरा के ताज होटल में ये सामने ताज की ही बिल्डिंग है जो आपको नज़र आ रही है ताज व्यू आगरा नाम है इसका